हाय गाइस, सुबह का दिन है 7:51। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। कैसे हो आप लोग यूट्यूब फैमिली? मैंने सोचा आज थोड़ी सी सुबह की रूटीन बताती हूँ। यही सुबह की स्टार्टिंग अपनी झाड़ू से ही होती है। झाड़ झटक करो और घर साफ करो, है ना? ठीक है, थोड़ा सा यूट्यूब फैमिली से बातें भी करती जाती हूँ और साफ सफाई भी करती चली जाती हूँ। ऐसा है, चलो सुबह की शुरुआत आप लोगों से स्टार्टिंग कर दी है। कुछ घर का काम किया, उसके बाद में ये पूजा की मैंने मंदिर की। आप भी ले लो आरती सुबह सुबह किया, 8 बजे है ना। सोचा चलो आप लोगों से बातें करते हैं, है ना। और आज 8 बजे का भी दिखाती हूँ। 8 बजे का टाइमिंग देख लीजिए आप, व्यू देखो, हरियाली ये देखो। 1 घंटे में मौसम चेंज, धूप हो जाती है, फिर देखो पानी आता है, गर्मी लगती है। ऐसे चेंजेस होते रहते हैं मौसम के, है ना। सुबह सुबह बैठने का टाइम नहीं मिलता है, बहुत जल्दी जल्दी में काम करना पड़ता है। ये आरती जल रही, आरती लेते रहना चाहिए, पॉजिटिव आती है, अच्छा लगता है। और आप लोग कैसे हो? सुबह सुबह कितने बजे आपकी रूटीन स्टार्ट हो जाती है बताना, कमेंट एक भी नहीं आ रही है ना। और इंस्टाग्राम पे भी मैंने फ़ोटो डाली मेरी, IM कविता सोनी के नाम से ही। आप लोग जल्दी जाके वहाँ के फॉलो करो। टमाटर हमारे घर मिर्ची बोलते हैं इसको, मिर्ची की सब्जी। उधर चाय बन रही है, उधर भजन चल रही है। गिलहरी खाना खा रही है, देखो सामने बैठ के छोटी सी गिलहरी। ये बजे है 12:10, मैं खाना खा रही हूँ। आज खाना देसी खाना है, आपको बताते हैं गांव में खाते हैं वैसा खाना। ये है थोली, दलिया बोलते हैं दलिया, उसमें दूध डाला है मैंने, दही डाला है ना, देसी खाना। आज ये इच्छा हो गई मेरी खाने की, इसमें इलायची भी डाली मैंने, मीठी थोली है। पहले पानी और उसी में शक्कर और इलायची डाल दी, और बाद में ये आधी कटोरी दलिया डाल दी, तो टेस्टी बनती है। ये पेपर बिछा के खाते हैं, मेरी भी इच्छा हुई आज ऐसे पेपर बिछा के खाना खाऊं।
इसका कोई तोड़ नहीं। शाम के खाने की तैयारी, ये दही है और उसमें थोड़ा सा खटाई के लिए नीम छाछ भी डालेंगे। उसके बाद ये बेसन, इसकी में कढ़ाई बनाएंगे। कढ़ाई में इसको ऐसे पूरा मिक्स कर लो ताकि इसमें गोले नहीं पड़े, बेसन के भी दही के भी, दही भी पूरा मिक्स हो जाए। मिक्स करो ताकि पूरे एक जैसा मिल जाए। बेसन के भी गट्टे नहीं होना चाहिए और छाछ के भी। ये कढ़ाई में तेल डाल देंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं, बिल्कुल कम। तेल गर्म हो गया, हींग डाल दी। हींग भी बस थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं रहती। उसके बाद में मैं डालूँगी, हींग तो हो गई है गर्म अच्छी, उसके बाद डालेंगे मेरा ये जीरा थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल आधी चम्मच की मान से। इसके साथ डाल देंगे थोड़ी सी मेथी डाली, मोबाइल देखते हैं ना, एक हाथ से पकड़ के काम करो तो, क्योंकि मेरे यहाँ कोई है नहीं ऐसा। अच्छे पढ़ाई करते हैं, याद मैंने देखो ही करके रखी है। हरी मिर्ची, थोड़ी सी लहसुन या पेस्ट लहसुन और अदरक का, उसके बाद में फिर देखो लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, अदरक भी साथ में डालेंगे इसमें, हरी मिर्ची। हरी मिर्ची हो गई अच्छी, अपन पूरा डाल देंगे। ये बन गई, बहुत गई। उसके बाद ये आधी चम्मच नमक डालूंगी, उसके साथ में ये जीरा मैं डालूंगी आधा चम्मच, फिर हरी धनिया डालूंगी। देखो कड़ी का कलर कितना बेस्ट है, सुपर डुपर कड़ी। उसके बाद में ये सब डालूंगी, हम थोड़ा मीठा खाते हैं। हो गई एक नंबर, कड़ी के साथ खिचड़ी बनाऊंगी। खिचड़ी में मैंने आलू और उसके बाद में हरी धनिया, मूंग की दाल, तुअर की दाल, ऐसे इसे मिक्स करके बनाती हूँ। टमाटर भी, खिचड़ी की रेसिपी भी मैं कैसे बनाती हूँ। और आप देखो कड़ी, ये देखो बॉल में निकाली मैंने, कितनी इतनी बढ़िया कड़ी बनी है। ये देखो
गरम गरम कर लिया, वो टेस्टी लगती, खट्टी मीठी बनती है बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा सामान डाल के, ज़्यादा भी नहीं, बहुत तरह की कढ़िया बनती है। 6:20 हो गए, आज लेट हो गए ब्लॉग की एंडिंग देने में। शाम हो गई है, बीच में भी घर के काम थे, सब बाटलों में सब राई जीरा सब भरना था, नमक वगैरह, ये दूसरे काम भी आ जाते घर के। और आप कमेंट करिए, शेयर करिए, अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे आप लोगों को, आप लोगों के लिए। आप जल्दी जल्दी अच्छे देखो, मेरा पूरे पूरे ब्लॉग देखिए आप लोग, है ना, शेयर करना। इसी के साथ में ब्लॉग की एंडिंग, बाय बाय।